वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स पास आते हैं, वैसे वैसे ही हमारे अंदर एक डर आता है, कहीं मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो क्या। डर और फ्रस्ट्रेशन का होना हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका अगर आपके अंदर डर आ रहा है कहीं नहीं हो पाया तो ये डर ही तो आपको और ज्यादा मेहनत करने के लिए इनकरेज करने वाला है। सोच के देखिए कि जो आपके अंदर ये डर आ रहा है, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। इसको ताकत की तरह देखिए। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है हम अपनी एफर्ट को और ज्यादा बढ़ाते हैं। और सपोज कि अगर कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं भी हुआ तो कम से कम हमने अपने आप को और अच्छे लेवल पर तैयार किया। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो कभी बेकार नहीं होने का। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट था जो खराब हो गया टाइम के साथ। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं आपके काम ही आते। अगर एक एग्जाम कोई डिस्क्वालीफाई भी हो गया तो वो जो नॉलेज है मीन्स वहां पे कुछ लैक रह गई, कुछ कमी रह गई। अब हमें वर्क करना है उस कमी पे। जो भी कमी रह गई है पहले हमें उसको दूर करना है और अगली बार हमें सेलेक्ट हो जाना है। तो हमेशा याद रखिए कि आप जो आज एफर्ट कर रहे हैं उसका फायदा आपको कल मिलने ही वाला है। थैंक यू।